हेलो एंड वेलकम टू द साउंड ऑफ सोल, जहां पर हम दिल की बातें दिल से करते हैं और ऐसे किरदारों से मिलते हैं कि जो किरदार आपने अपनी ज़िंदगी में या तो देखे हो, सुने हो या कभी महसूस किया हो। तो ऐसा ही एक किरदार है जो कि बहुत कैलकुलेशन करता है ज़िंदगी में, सच्ची में बहुत सारा कैलकुलेशन। और इस किरदार का नाम है रमा। रमा जो है अपने आए हुए ज़िंदगी में हमेशा कैलकुलेशन करती रहती है। वो अपनी फैमिली के लिए कैलकुलेशन करती है कि आज मेरा बच्चा इतना रोटी खाएगा, मेरा पति इतना रोटी खाएगा, मुझे ये लाना है, मुझे वो लाना है, घर पे अगर गेस्ट आएंगे तो मुझे इतना सब कुछ बनाना है। वैसे ये सब किस्सा शुरू हुआ था एक छोटी सी बात से, और वो थी ये कि जब वो रमा छोटी थी तब उसकी मम्मी भी कैलकुलेशन करती थी, और ये भी छोटी सी कैलकुलेशन कि भाई घर पे पांच लोग हैं और पांच लोग हर दिन कम से कम पांच पापड़ खा लेते हैं, तो अगर बच्चे या घर के बड़े अगर पांच पापड़ खाते हैं पर डे, तो फिर पर डे के हिसाब से अगर देखा जाए तो 10 दिन में कितने हुए, 50, और 30 दिन में 150, राइट। सो कम से कम 150 पापड़ वो जो थी बनाती थी रमा की मम्मी। अब यही कैलकुलेशन वो साल भर का करके रखती थी और इस हिसाब से वो पापड़ बनाती थी। रमा ने यही देखा कि अपनी माँ जो है हमेशा कैलकुलेशन करती रहती है और आगे का फ्यूचर का सोच के उस हिसाब से खाना बनाती भी है, और घर के सारे काम या घर के सारी खरीदारी उसी हिसाब से करती भी है। रमा के अंदर भी इसी तरह की कुछ आदतें आ चुकी थी। रमा भी अपने घर गृहस्थी को जो है कैलकुलेशन पे लेकर चलती थी। धीरे धीरे एक्चुअली ये ऐसा हो गया कि वो बहुत ही इस कैलकुलेशन में सीरियस हो गई। एक दिन उसकी जो पड़ोसी थी शमा जो थी वो इन सब चीज़ों को गौर से देखती थी। एक दिन शमा जो है रमा के पास आके कहती है कि तुम अपनी ज़िंदगी बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से जीती हो, ज़िंदगी इस तरह से नहीं जीनी चाहिए, क्योंकि हर बार कैलकुलेशन करके ज़िंदगी नहीं जी जा सकती, करेक्ट। और वैसे भी कैलकुलेशन की हुई ज़िंदगी बहुत छोटी होती है क्योंकि उसमें एन्जॉयमेंट ही नहीं रहता। इसी के लिए रमा ने उसके बातों के ऊपर विश्वास नहीं किया, लेकिन शमा ने कहा कि देखो एक छोटी सी बात है, एक बार क्या होता है कि एक बहुत से बड़े शहर में, यानी कि ये कह लीजिए कि हम जब कैद में थे, यानी कि जब हम स्वतंत्र नहीं थे, उस समय जॉर्ज नाम का एक व्यक्ति था, वो हमारे भारत के लिए बहुत सारी चीज़ों का प्लानिंग करता था, और प्लानिंग इस तरह से करता था कि वो फ्यूचर की आने वाली चीज़ों को भी प्लान करके रखता था और अपने राजा या अपने बड़े अधिकारी तक ये बात पहुंचाता था। अब वो एक अहम हिस्सा हो चुका था जॉर्ज जो है एक मिनिस्ट्री का, और वो प्लानिंग कमीशन करता था कि आगे क्या प्लान होगा। एक दिन वो ऐसे ही खोया हुआ था अपने प्लानिंग के लिए कि भारत में क्या करना है, इस इंडिया के लिए क्या क्या, लोगों के लिए क्या क्या करना है। और ऐसे ही वो जब एक घोड़ा गाड़ी पे था तो अचानक से क्या हुआ कि उसकी घोड़ा गाड़ी जो है अचानक से रुक गई, और जैसे ही वो रोड पे रुक जाती है तो वो देखता है कि घोड़े ने जो है लीद कर दी, यानी कि घोड़े की जो गोबर जो था रोड पे था। अब इसे देखकर तो जॉर्ज को पहले तो कुछ सूझता नहीं, लेकिन जो है जो घोड़ा गाड़ी चलाने वाला जो व्यक्ति है उस लीद को एक तरफ उठा के रख देता था, क्योंकि पुराने भारत में, यानी कि जब हमारा भारत कैद में था, उस समय लीद को ऐसे ही रोड पे नहीं फेंका जाता था, उसे एक किनारे में या कहीं गड्ढे में डाल दिया जाता था। अब जॉर्ज जो है इस चीज़ को देखता रहा, और फिर बाद में कुछ समय बाद उसको एक बात याद आ गई कि अगर हमारे पास एक घोड़े ने अगर इतनी लीद की है, यानी इतना गोबर किया है, तो हमारे इस राज्य में न जाने कितने सारे राजाओं के पास, न जाने कितने सारे मंत्रियों के पास घोड़े होंगे, और कल को जाके इतने सारे लीद, यानी इतने सारे जो डंग्स है, ओके, ये डंग कहीं हमारे देश को बर्बाद न कर दे और आने वाली नस्ल को ख़त्म न कर दे, क्योंकि इससे बहुत बीमारियां होती हैं, और वैसे भी घोड़ा गाड़ी ही उस समय था। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता गया उसके दिमाग में और बहुत से सवाल आते गए, और उसने तुरंत अपनी घोड़ा गाड़ी को कहा कि मंत्रालय की तरफ लेके चलो, मुझे मिलना है अपने उच्च अधिकारी से। अब जैसे ही वो उच्च अधिकारी के पास पहुंचता है, उच्च अधिकारी देखता है कि जॉर्ज जो है बहुत ही चिंतित है और बहुत ही
गहन अध्ययन कर रहे हैं। तो उन्होंने एक बार दो बार नहीं तीन बार जॉर्ज को कहा कि जॉर्ज किस काम से आए हो, लेकिन जॉर्ज अपने ही कैलकुलेशंस में खोया हुआ था। जैसे ही जॉर्ज को होश आता है और अपने ख्वाबों से अपने कैलकुलेशन से जब बाहर आता है, तब वो कहता है कि मिनिस्ट्री को मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ, और वो ये है कि हम घोड़े पालना बंद कर दें, या कोई भी जानवर जो कि काउडंक है या जो भी हम उन्हें पालते हैं, उन सब जानवरों को छोड़ दिया जाए, क्योंकि आने वाली नस्ल जो है, आने वाली पीढ़ी जो है, इस काउडंग यानी इस घोड़े की लीद से मर जाएगी और हमारा पूरा का पूरा मानव सभ्यता खत्म हो जाएगी। अब ये जो है, मंत्रालय को ये बात पसंद नहीं आई, लेकिन फिर भी वो दूरदृष्टि थे जॉर्ज, तो उन्होंने सोचा ही होगा कि भाई कुछ रीज़न से ही होगा। उन्होंने पूछा उनसे कि भाई आपका रीज़न क्या है इस चीज़ के लिए। अब जॉर्ज जो ठहरे, उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास कम से कम, हमारे राज्य में कम से कम 30 राजाएं हैं, 30 राजा के पास कम से कम 60 घोड़े होंगे, और हर घोड़ा न जाने कितनी सारी लीद कर देता होगा एक दिन में, और इन लीदों को फेंकने के लिए हमारे पास कुछ ही गड्ढे हैं। अगर समझो घोड़े की पॉपुलेशन बढ़ गई, कल को कई लोगों की पॉपुलेशन बढ़ गई, भारत की पॉपुलेशन बढ़ गई और भारत में और ज़्यादा घोड़े आ गए, और ज़्यादा कुछ जानवर आ गए जिसको हम एक्चुअली ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं, तो न जाने कितनी सारी लीदें होंगी हमारे राज्य में, और इन लीदों को फेंकने के लिए हमारे पास जगह नहीं होगी, इंसान कम लीद ज़्यादा, और फिर बीमारियाँ होने लगेगी, और कुछ ही सालों में इंसान का सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि घोड़ों को बिल्कुल भी पाला न जाए। अब कुछ टाइम के लिए तो मंत्रालय भी सोचने लग गया, लेकिन फिर तुरंत मंत्रालय में से एक व्यक्ति ने जॉर्ज की इस बात का खंडन किया और कहा कि सर, मैं आपसे एक बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि आपने कैलकुलेशन तो बहुत सही किया है, ठीक है, और मैं इस चीज से सहमत भी होता हूं, लेकिन एक चीज जो है मुझे खाए जाती है, वो है कि आपकी जो दूरदृष्टि जो है, यानी जो फ्यूचर प्लानिंग है, शायद वो सही नहीं हो सकती। अब जॉर्ज जो थे बड़े गुस्से में आ गए कि भाई ये कैसा मेरे से निम्न अधिकारी, यानी कि मेरे से नीचे वाला अधिकारी मुझे क्वेश्चन कर रहा है। वैसे भी उन्होंने सॉरी कहा और उन्होंने बोला कि सर, अगर मैं एक्सप्लेन कर सकूं तो प्लीज़ मुझे इजाज़त दीजिए। और जॉर्ज ने फिर बाद में कुछ देर के बाद उनको दे दिया कि चलो उनकी भी बात सुन लेते हैं। अब जो अधिकारी है, जो जॉर्ज से कम ओहदे में था, उन्होंने कहा कि सर, आपने जो फ्यूचर दृष्टि जो दी हमको बताई है, मैं भी खुद उससे हैरान हूँ, बट सर क्या आपको ये नहीं लगता कि हम मानव जो है बहुत लंबा सफ़र पार करके आए हैं? आपको मालूम है कि जब हम आदिवासी थे, जब हमारे पास किसी भी तरह का कोई जानवर पालने के लिए नहीं था, तो हम दूर से दूर जगहों पर किस तरह से जाते थे? पैदल, एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ हम पैदल जाते थे, ना हमारे पास कोई घोड़ा गाड़ी था, ना कोई किसी तरह का जानवर। जैसे ही इंसान ने समझदारी आई और उसने जानवरों को पालना पोसना शुरू किया, उसी तरीके से हम खाना उगाना भी शुरू हो गए, और इसी के साथ हमने जब ये देखा कि जानवरों को हम पाल सकते हैं, तो अब हमने उनको अपने ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़, अब जैसे ही हमने उनको ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया, हम अभी उनको भगाते गए, चाहे एक जगह से दूसरी जगह हो, चाहे वो गधा हो या घोड़ा हो या फिर ऊंट हो या हाथी हो, हम हर जानवर को अब पालते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बट सर, क्या आपको नहीं लगता कि अगर हम यहाँ तक आए हैं कि हमने जानवरों को पालना पोसना शुरू कर दिया है अपने कामों के लिए, तो क्या आगे चल के और 100 साल और 50 साल के बाद ही सही, क्या इंसान इतना आगे नहीं बढ़ जाएगा कि वो शायद गाड़ियां चलाना शुरू कर दे, शायद वो उड़ना शुरू कर दे, या शायद वो दूरदृष्टि से एक दूसरे को बात करना शुरू कर दे? अब जॉर्ज भी इस सवाल का जवाब देने में असमर्थ थे, यानी कि उन्हें भी कुछ सूझ नहीं रहा था। उन्हें भी सही लगा कि हाँ, मैं तो ये बात भूल ही गया कि हम इंसान बहुत ही विकासशील हैं, हम में वो शक्ति है, यानी कि जो दिमाग है, इतना तेज है कि आने वाले वक्त में शायद हम इस घोड़ा गाड़ी पे डिपेंड न रहें, और आगे जाके, जैसे आपको मालूम ही है, घोड़ा गाड़ी के बाद 4-व्हीलर्स आ गए, 2-व्हीलर्स आ गए, एंड ऑल गोज टू द इन्वेंशंस टू द साइंस। राइट ब्रदर्स के हिसाब से जैसे ही आते हैं, आपको मालूम है फिर तो क्या हुआ था कि हम उड़ने भी लग गए।
काश जॉर्ज आज जिंदा होते या उनके अधिकारी आज जिंदा होते तो वो इंसान की इस विकास को देख सकते और कहां से कहां पहुंच चुके होते। वैसे तो ये बात जॉर्ज ने तो नहीं देखी, बट हाँ यहाँ रमा को ये बात समझ में आ गई कि जिंदगी जो है कैलकुलेशंस के बेसिस पे नहीं चलती, वो आज के प्रेजेंट में चलती है। हाँ फ्यूचर का आप प्लान जरूर कर सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट को भी जीना सीखना चाहिए, तभी तभी तो आप लाइफ को एंजॉय करेंगे, क्योंकि आपकी लाइफ या हमारी लाइफ बहुत छोटी है और इस छोटी सी जिंदगी में हमको हर लम्हे को जीना है, उसको कैलकुलेशंस के साथ नहीं, प्यार मोहब्बत और अपनों के साथ रहना सीखना और हंसी मजाक करना, यही लाइफ का एक बढ़िया सा फंडा है। सो कैलकुलेशन में जीना बंद हो जाता है रमा का और वो प्रेजेंट में सोचती है, प्रेजेंट में काम करती है और फ्यूचर की प्लानिंग के लिए तैयार जरूर रहती है, लेकिन प्रेजेंट में जीकर वो सारे काम करती है। तो यही है आज के कहानी का एक मॉरल कि लिव इन द प्रेजेंट, फ्यूचर ना हम डिसाइड कर सकते हैं ना कोई और, आपके हाथ में आपका फ्यूचर है, लेकिन फ्यूचर के बारे में ही सोचते रहना आपके प्रेजेंट को ही खराब कर देगा, है ना। तो फिर अपने प्रेजेंट को बढ़िया करिए, अपने प्रेजेंट को इतना स्ट्रांग रखिए कि आप फ्यूचर में सक्सेसफुल हो। तो हमेशा फ्यूचर की प्लानिंग जरूर करिएगा बट प्रेजेंट को ध्यान में रखिए, क्योंकि लाइफ इज ओनली वन और इस लाइफ में आप सिर्फ एक ही हैं इंसान जो अपने फ्यूचर को बदल सकता है, अपने प्रेजेंट को भी बदल सकता है। तो अच्छी सोच और अच्छे कर्म आपको हमेशा आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। सो सीखते रहिए, सुनते रहिए साउंड ऑफ सोल, जहां पर हम एक नए किरदार से हमेशा मिलते हैं, कुछ सीखते हैं, या तो आपने उन्हें देखा है, महसूस किया है, या आप खुद उस किरदार में जीते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द साउंड ऑफ सोल एंड दिस इज सुदर्शन साइनिंग ऑफ। टेक केयर एंड डू रीड, डू लर्न एंड लिव योर लाइफ फुल्ली। थैंक यू।